वेलकम टू सेकेंड वीडियो ऑफ सिल्क स्क्रिप्टिंग। और आज की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स आप जानते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और यहाँ पे आपको बताऊँगा कमेंट आप कैसे कर सकते हो सिल्क प्रोग्रामिंग में, ठीक है, या फिर प्रोग्रामिंग नहीं बोले इसको, इसको आप बोलते हो स्क्रिप्टिंग में, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस से जब भी आप चाहो तो आप कुछ भी ऐसे फेच करो, कोई भी डाटा लोड करो, आप डाटा बेस के साथ काम करो, तो आपको कमेंट करने आना चाहिए। अब कमेंट क्या करता है, अगर आप डेवलपर से तो आपको पता होगा कि कमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। पर फिर मैं आपको बता दूँ, कमेंट जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है कि अदर डेवलपर को आपके कोड को समझने के लिए, अदर डेवलपर्स अंडरस्टैंड योर कोड ईजिली। ठीक है, पर अगर आप कमेंट नहीं लिखते हो, और हो सकता है ये अदर डेवलपर्स को नहीं, आपको खुद ही, जैसे मान लो कि आप अगर आप 1000 लाइन का कोड लिखते हो, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि हो सकता है कभी आप जो है 500 लाइन वाले कोड को दिख रहे हो, तो आपको टाइम लग सकता है समझने में कि ये वाला फंक्शन मैंने किस लिए लिखा था, ये वाला फंक्शन मैंने कहाँ से इम्पोर्ट किया था, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। पर अगर आप कमेंट का यूज़ करते हो तो आपका क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग जो होगा वो कम हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। मिनिमम टाइम में आप कोई भी चीज़ें के बारे में जान पाओगे। तो दूसरे को तो हेल्प करता है यह कमेंट, पर आपको भी हेल्प करता है कभी कभी अपने कोड को समझने में, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइन का कोड लिखते हो आप लोग तो आप खुद ही दिक्कत हो जाता है कभी कभी समझने में। इसलिए अच्छा रहता है कि आप कमेंट का यूज़ करो। तो इसी तरह सेल्फ स्क्रिप्टिंग में कमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपर्स के लिए, तो आप चाहो तो आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कमेंट कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ऑनलाइन आईडी में और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कमेंट कैसे कर सकते हो। तो कमेंट करने के लिए यहाँ पे जो इसका कमांड है वो है आपका हैश, ठीक है। हैश कीवर्ड से आप कमेंट कर सकते हो सिल्क स्क्रिप्टिंग में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जैसे इको हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ मैं, या फिर हेलो ही लिखता हूँ सिर्फ, तो यह हेलो अभी प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आपका हेलो आ चुका है। पर अभी जैसे ऊपर में मैं कमेंट कर देता हूँ कि दिस बिल और दिस प्रोग्राम इज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तब देखना आप कि ये आउटपुट में नहीं आएगा, सिर्फ हेलो ही आ रहा है। तो ये क्या है, ये डेवलपर्स के लिए मैंने लिख दिया है। तो अगर आप चाहते हो कमेंट करना तो आप हैश का यूज़ करके, अब यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट नहीं सपोर्ट करता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है तो आप हर लाइन में आपको हैश लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हैश लिख दो, यहाँ पर लिख दो कि आप दिस इज अनदर लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका आउटपुट में नहीं आएगा। तो बस हैश कीवर्ड है, हैश कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो और आप हेलो वर्ल्ड के, हेलो वर्ल्ड नहीं मतलब कोई भी प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप कमेंट करना चाहते हो तो आप हैश कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, हैश लिख करके। जिस तरह से पाइथन में होता है उस तरह से यहाँ भी होता है, आप हैश लिख करके कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप वेरिएबल्स का कैसे यूज़ कर पाओगे, फिर आगे बताऊँगा आपको लूपिंग वर्क कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उससे पहले अगर आप चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।